किसकी जीत किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार। 10 मार्च सुबह से लगातार पल पल का अपडेट दिन भर सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल आए और हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। सबसे चौंकाने वाला एग्जिट पोल पंजाब का रहा। पंजाब की तस्वीर देखकर ये साफ हो गया कि केजरीवाल दिल्ली की तरह एक बार फिर बाजी पलटने में कामयाब हो जाएंगे। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की बात करें तो 117 सीटों वाले पंजाब में आम आदमी पार्टी को 76 से 90 सीटें मिल रही हैं। यानी अनुमान के मुताबिक केजरीवाल की पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। इस एग्जिट पोल में कांग्रेस को 19 से 31 सीटें मिल रही हैं, अकाली दल को 7 से 11 सीटें और बीजेपी के गठबंधन के खाते में सिर्फ 1 से 4 सीटें जाती दिख रही हैं। इसके अलावा News24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल को देखकर सब हैरान है। बहुमत के लिए जहां 59 सीटों की जरूरत है, लेकिन इस सर्वे में केजरीवाल की पार्टी 117 में से सीधे 100 सीटें जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस को सिर्फ 10, अकाली दल को 6, बीजेपी को महज 1 सीट मिलती दिख रही है। टाइम्स नाउ वीटो के सर्वे की बात करें तो इसमें भी आम आदमी पार्टी 70 सीट जीत रही है। कांग्रेस को 22, अकाली दल को 19 और बीजेपी को 5 सीटें मिल रही हैं। TV9 के सर्वे की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को 56 से 61 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 24 से 29, अकाली दल को 21 से 26 और बीजेपी 1 से 6 सीटों पर सिमट रही है। जी न्यूज के सर्वे में भी आम आदमी पार्टी का बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। इसमें आपको 52 से 61 सीटें, कांग्रेस को 26 से 33, अकाली दल को 24 से 32 और बीजेपी को 3 से 7 सीटें मिल रही हैं। रिपब्लिक भारत के सर्वे में आम आदमी पार्टी को 62 से 70 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 23 से 31, अकाली दल को 16 से 24 और बीजेपी को सिर्फ 1 से 3 सीटें मिल रही हैं। वहीं एबीपी न्यूज सी वोटर की सर्वे में भी पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत रही है। इस एग्जिट पोल में आप 51 से 61 सीटें जीत रही है, कांग्रेस 22 से 28, अकाली दल 20 से 26 और बीजेपी को 7 से 13 सीटें मिल रही हैं। इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च के सर्वे में आंकड़ा थोड़ा अलग है। इसमें पंजाब में कांग्रेस जीतती नजर आ रही है, कांग्रेस को 49 से 59 सीटें मिल रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 27 से 37, अकाली दल को 20 से 30 और बीजेपी को 2 से 6 सीटें मिल रही हैं। इसके अलावा इंडिया न्यूज, न्यूज एक्स और ETG रिसर्च के सर्वे में भी आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं। कुल मिलाकर सारे एग्जिट पोल का एवरेज यानी पोल और एग्जिट पोल देखा जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को 63 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 28 और अकाली दल के खाते में 19 सीटें आ रही हैं, जबकि बीजेपी सिर्फ 4 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है।